राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लिए शुक्रवार को दो बड़ी और परेशान करने वाली खबरें सामने आई। आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत खारिज करवाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं आरजेडी के एक बड़े नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में हुए दोहरा हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया है। दो राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवाने का उन पर आरोप था, लेकिन बिहार में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि 1 तारीख को प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए, 1 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद उन्हें सजा का ऐलान किया जाएगा।